वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 31 मार्च 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएल के इंट्राडे ट्रेड सेटअप की। जो हमने ट्रेड सेटअप लिया उसको हमने किस तरीके से ट्रेड किया और क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 5 मिनट का इंट्राडे चार्ट है और इस 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो डे का जो फर्स्ट कैंडल था एक गैप डाउन ओपन हुआ, ये लगभग 620 का एक लो बनाया और यहाँ से यूपीएल ने एक 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर क्लोज किया। तो इस कैंडल को मैंने ये प्राइस एक्शन को मैंने रीड किया और प्राइस एक्शन को रीड करने के बाद हमारा जो लाइफ टाइम ग्रुप है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 935 को अपडेट कर दिया। जो एफएनओ ट्रेड्स हमारे जो ग्रुप मेंबर्स है जो एफएनओ ट्रेड लेते हैं तो यूपीएल एपी अप्रैल का 690 का कॉल मैंने दिया था और इनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि यूपीएल अगर 635 के अबव जाता है तो हम ये कॉल बाय करेंगे और तब सीएमपी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था वो 12.30 रुपए का चल रहा था। अब देखिए क्या प्राइस एक्शन आया और किस तरीके से हमने वो ट्रेड लिया। अब मैंने 935 का क्यों बताया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो 635 जो है ये आपको जो दिख रहा है जहां पर मैंने येलो लाइन ड्रॉ किया है ये प्रीवियस डे का हाई था और अगर स्टॉक एक बुलिश मूड में है और प्रीवियस डे का हाई अगर वो ब्रेक करता है तो हम एंटर हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए मैंने 935 जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था तो आप देखेंगे कि ये जब कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था तो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। ओके, ये पैटर्न्स था और 935 ये कैंडल बनते ही मैंने यहाँ पर ग्रुप पे अपडेट दे दिया था। पूरे 5 मिनट्स थे आपके पास इस ट्रेड में एंटर होने के लिए और प्रिपरेशन होने के लिए और जैसे ही प्राइस 635 के अबव निकलने लगा आपको ये कॉल बाय करना था। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की हम बात करेंगे वो भी चार्ट में नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएल अप्रैल 69 का कॉल है ये और सेम ये जो 940 का ये जो कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ और आप देखेंगे कि कितने कम समय में हमें एक अच्छा खासा इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ जो प्रॉफिट एज ए पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में भी लगभग ना के बराबर होता है। और जैसे कि आप देख रहे थे मॉर्निंग में हमें मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली तो आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये वो कैंडल था जब ये फॉर्मेशन हो रहा था 935 को मैंने अपडेट कर दिया था और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 13.40 रुपए या अगर आप 13.60 रुपए पे भी एंट्री ली होती तो इंस्टेंट ही आप देखेंगे कि किस तरीके का एक प्राइस एक्शन हमें आता हुआ दिखा और मिनिमम इसने तो ऑलरेडी एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया जो कि 19 रुपीज था, मिनिमम अगर 18 रुपीज पे भी निकलते तो 5 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल हो रहा है और जो कि एफएनओ अगर देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जहाँ पे आपका एंट्री लगभग 13 या 14 रुपए के आसपास और 5 रुपीज आपको मिल रहा है दैट इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट वन इंट्राडे ट्रेड में। और आप यहाँ पे अगर हम कैश मार्केट में भी देखेंगे अगर हमने कैश मार्केट में भी यहाँ पे 635 पे एंट्री ली होती तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम यहाँ पे 10 रुपीज का एक मूव अपसाइड मूव दिखा और उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए और ये स्टॉक उसके बाद हमें साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अब बात आती है कि यहाँ पर जब हमें एक बेरिश इनगल्फिंग दिखा तो हमें करना क्या है, हमें करना है प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।